नमस्कार, आप देख रहे जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बढ़ेंगे हमारे खास सेगमेंट राम उत्सव की ओर। अयोध्या में 16 जनवरी शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज छठा और आखिरी दिन है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या की सीमाएं सील कर दी गई थी। अब 23 जनवरी तक सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा में बुलाए गए मेहमानों को ही पास दिखाकर एंट्री मिलेगी। आपको बता दें, अयोध्या को 2000 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। सुबह रामलला की प्रतिमा का मध्याधिवास किया गया, शाम को शव्याधिवास समेत 12 निवास होंगे। वहीं शाम की आरती के बाद अनुष्ठान पूरे हो जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी 22 जनवरी को ही अयोध्या पहुंचेंगे। 21 जनवरी 2024 यानी आज के अनुष्ठानों की अगर बात करें तो यज्ञ विधि में विशेष हवन पूजन किया जाना है। वहीं रामलला का दिव्य स्नान आयोजित किया जाएगा। वहीं 125 कलशों के जल से रामलला की मूर्ति का स्नान किया जाएगा। वहीं पुष्पाधिवास का अनुष्ठान भी देखा जाएगा, जिसमें फूलों में प्रतिमा रखी जाएगी। छह तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग टीमें सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए अयोध्या पहुंच चुकी हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में रामनगरी सजकर तैयार है। 2000 क्विंटल फूलों से अयोध्या को सजाया जा रहा है। वहीं अयोध्या त्रेता युग वाली नजर आ रही है, तीसरी तस्वीर आपको दिखाती हुई। वहीं चौथी तस्वीर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। अयोध्या को पूरी तरह से सजाया संवारा जा रहा है। वहीं पांचवी तस्वीर में एयरपोर्ट परिसर पर साज सज्जा की गई है। वहीं छठी तस्वीर रामलला की जय जयकार को दिखाती हुई, जिसमें भक्त राम भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। जी प्रकार से उसका व्यवस्था होती है, पहले प्राचीन करेंगे यजमान, उसके बाद में जो विद्वान लोग रहेंगे मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र पढ़ने के बाद में जितनी प्रक्रिया है वो पूरा आचार्य के द्वारा किया जाएगा। वो होने के बाद 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद में रामलला को वो भव्य मंदिर में जो सिंहासन बन गया उसमें स्थापित किया जाएगा। यह होने के बाद में तो उनको पूजा किया जाएगी, उनको स्नान कराया जाएगा। स्नान के बाद में उनको कपड़ा पहनाया। उसके पश्चात भगवान राम के आने पर अयोध्या वासियों की जो प्रतिक्रिया हुई थी वही प्रतिक्रिया मेरी है। मेरे हर्ष का कोई ठिकाना नहीं है। दो प्रतिज्ञाएं, पहली कि अयोध्या में कथा करने तब आऊंगा जब राम जन्मभूमि का निर्णय हो जाएगा, एक। और दूसरी प्रतिज्ञा की थी कि अपनी राम कथा में श्री राम राज्याभिषेक का उत्सव तब करूंगा जब ये निर्णय हमारे पक्ष में आ जाएगा। दोनों प्रतिज्ञाएं भगवान ने पूरी कर ली। वो घड़ी अब आ गई है और मुझको लगता है कि पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की भव्य दिव्य नव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आज पहला मुहूर्त है। और आज से पूजन जो प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त देवताओं का आवाहन, कलश स्थापना, नवग्रह का पूजन, अन्य देवी देवताओं का प्रतिष्ठित की जाएगी वहां पर। अरे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। पहली बात तो मैं आपको बताऊं साहब, ये मस्जिद थी ही नहीं, ये भगवान श्री राम का जन्म स्थली थी, जन्म भूमि थी, जन्म क्षेत्र था। उसी परिसर में, उसी जगह पर भगवान श्री राम लला ने जन्म लिया, यानी प्राकट्य हुए हैं। तो इसलिए ये जो कहना किंवदंतियां हैं कि भाई जो है यहाँ नमाज पढ़ी जाती है और ये किया जाता है वो किया जाता है, अनादिकाल से भगवान ब्रह्म का स्थान है और ब्रह्म राम है। जहाँ राम और ब्रह्म एक चीज होती है वहाँ और किसी दैत्यों का या असामाजिक तत्वों का ये सब कोई प्रभाव नहीं होता है। और आज केवल अयोध्या नहीं, पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व में, विदेशों में भी राम लहर चल रही है। राम के प्रति
और एक भक्ति का भाव, श्रद्धा का भाव, आस्था का भाव पूरे विश्व में आज जागृत हुआ है। और राम, क्योंकि राम शब्द ही समष्टि का सूचक है, रामो साक्षात विग्रहवान धर्म, धर्म का प्रतीक है। राम लला के उस दिव्य दर्शन को अगर अब आप देखना चाहते हैं तो राम आन है, राम शान है, राम हमारी अभिलाषा, राम ज्ञान है, राम ध्यान है, राम हमारी परिभाषा, राम संस्कृति के प्रेता है, राम हमारी अभिलाषा, कण कण में राघव दिखते हैं, राम हमारी करवासा, करुणा की संकित में देखो राम सभी को दिखते हैं, हर पल में हर घर में राघव राम सभी में दिखते हैं, जहाँ यहाँ वहाँ देखो जैसे भी राम राम ही दिखते हैं, सरयू के कलमल कण कण में केवल राम राम ही दिखते हैं। ये तो प्रभु श्री राम जो है अपने आप को हमेशा नीचे रखते थे और दबे हुए और झुके हुए रहते थे, और उनके जो बाकी के किरदार थे उनको हमेशा उन्होंने उगने का और शाइन करने का और चमकने का मौका दिया था। तो ये बहुत अहम किरदार है और ये किरदार नहीं, अब तो मेरे अंदर मेरे कणकण में राम बसते हैं। अयोध्या वासियों को रामलला के घर आने की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत खुशी का माहौल है, बहुत आनंद का माहौल है, मजा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मैं इस पावन मौके पे इस भूमि पर मौजूद हूँ, अयोध्या की धरती पर मौजूद हूँ और इतिहास का एक हिस्सा बनने जा रहा हूँ, रामलीला कर रहा हूँ, रावण का किरदार निभा रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं, बहुत मजा आ रहा है। आज श्री अवध में आकर के हमें ऐसा लग रहा है कि 22 जनवरी 2024 को हमको सांस्कृतिक स्वतंत्रता सही रूप में मिलने वाली है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रथम देवन गिरि गुहा राख्यो रुचिर बनाए, राम कृपा निधि कछु दिन बास करेंगे आए। भगवान को 14 वर्ष के वनवास में जाना था, ये देवताओं को पता था, तो देवताओं ने तमाम गुफाएं, तमाम भगवान के रहने के लिए गिरि गुहाएं बना के रखी थी। और उस समय का वो माहौल था कि देवताओं ने द्वारा निर्मित था, भगवान राम की, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इससे पूर्व भगवान ने ही व्यवस्था की है, जो कि मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुना, योगी जी को उत्तर प्रदेश में विराजमान किया, माने पूरा एक टीम भगवान ने ही भेजी है जो भगवत कार्य कर रही है, ये निश्चित रूप से भगवत कार्य है। देवों के हैं देव खड़े, ब्रह्मा भी आए हैं उतर के, भेष बदल कर झूम रहे, देवलोक उतरा है धरातल, ओ देवलोक उतरा है धरातल, रघुनंदन को नमन किए, राम में रम कर बच्चा बच्चा, जय जय सीता राम कहे। एक्ट्रेस कंगना रनौत अयोध्या पहुंच गई हैं। उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की और मंदिर में सफाई भी की। देखिए हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल की ये खास रिपोर्ट। में वीवीआईपी का आना शुरू हो गया है। कंगना रनौत जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंची है वो सीधा हनुमानगढ़ी आई, यहाँ पर उन्होंने हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन किए और अब यहाँ से वो रवाना हो रही हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं क्योंकि अब एक एक करके अयोध्या में वो वीवीआईपी जिन्हें निमंत्रण दिया गया था रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का, वो यहाँ पहुंच रहे हैं। और उस कड़ी में आप देख रहे हैं कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली, वो अयोध्या में पहुंच चुके हैं और सीधा अयोध्या आकर उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हनुमानगढ़ी के दर्शन करके कंगना रनौत यहां से रवाना होती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये जो एक एक करके मेहमान हैं, जो मुख्य अतिथि हैं, वो अयोध्या आने शुरू हो गए हैं। और जाहिर सी बात है कि हनुमानगढ़ी में भी अब बहुत सारी हलचल रहने वाली है, क्योंकि जो लोग अयोध्या आएंगे वो हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए भी अवश्य आएंगे। कैमरामैन दीपक के साथ वरुण गोयल, जनता टीवी। कल भव्य राम मंदिर का उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में अयोध्या के कोने कोने में राम भक्ति की ऐसी हवा चल रही है मानो आस्था का सैलाब ही उमड़ पड़ा हो। देखिए हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल की एक खास रिपोर्ट। अयोध्या का सबसे लोकप्रिय दर्शनीय स्थल है हनुमानगढ़ी। बल बुद्धि विद्या भक्ति शक्ति मुक्ति के दाता बजरंग बली का यह स्थान, जहां से अयोध्या की पूरी यात्रा मानी जाती है, अयोध्या के रक्षक, अयोध्या के कोतवाल बजरंग बली वहां विराजे हैं और वहां भक्तों का सैलाब है, क्योंकि अब कुछ घंटे की दूरी है जब रामलला प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। हमारे बीच वो श्रद्धालु है जिनसे हम बात करेंगे। देखिए 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ये आनंद की घड़ी आई है और ये जो अभी उत्साह दिख रहा है
ये जो काम होना था ये 50 वर्ष पूर्व भी हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। अब जो योगी और मोदी जी की सरकार में ये सब काम हुआ है, अगर अभी ये आप देखना है कितनी लाखों लाखों की भीड़ है, और ये जो अगर मोदी जी और योगी जी ये आह्वान नहीं करते कि आप लोग घरों में रहिए, अपने गाँव में दिवाली मनाइए, गाँव में आज ये उत्सव मनाइए, आज हर हिंदुस्तान के हर गाँव में दिवाली मन रही है। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि ये जो एक नया विवाद लोगों ने उत्पन्न किया है कि अरे ये तो हम लोग नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, तो उनको ऐसे लोगों को मतलब हम एक ही संदेश देना चाहते हैं कि 140 करोड़ जो लोग हैं उनका जो उत्साह है आप देख रहे हैं कितना उत्साह है, तो उन ऐसे नेगेटिव लोगों को हमें भूलना होगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, मेरे राम कृपा कर दो, ओ मेरे कर्म कृपा कर दो, मथुरा भी सजा देंगे, राम कृपा कर दो मथुरा भी सजा देंगे, मोदी जी आए हैं योगी ही आएंगे, योगी जी आए हैं योगी ही आएंगे, संतों की नगरी को, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। जय शंखनाद, जय घोष, आनंद घंटी, मंगल गान, ये सब कुछ चल रहा है, और इस आनंद के साथ ये भाव आप समझिए कि देश और दुनिया भर के श्रद्धालु आए हुए हैं, और क्योंकि हर भक्त ये कह रहा है कि मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरे जन्मों के पाप सारे धुल जाएंगे, राम आएंगे, रुचि रुचि में तो भोग लगाऊंगी, रुचि रुचि में तो भोग लगाऊंगी, रुचि रुचि में तो भोग लगाऊंगी, खट्टे मीठे बेर राम को खिलाऊंगी, खट्टे मीठे बेर राम को खिलाऊंगी, प्यारी प्यारे के तत संग राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, तो ये भाव है, राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, मीठे मीठे गीत गा को सुलाऊंगी, मीठे के दुख सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी जिंदगी के दुख सारे कट जाएंगे, आके नगरी हो अयोध्या के रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, जय श्री राम, झोपड़ी के भाग आए अयोध्या, आनंद मंगल उत्साह और उल्लास में डूब गई है। कैमरामैन दीपक के साथ वरुण गोयल।
अयोध्या से। अयोध्या में यूं तो अनेक पुराने भवन और मंदिर हैं, पर एक भवन बरबस ही लोगों का ध्यान खींच लेता है। ये मंदिर इतना खूबसूरत दिखता है कि नजर हटाए नहीं हटती। जानकारी के मुताबिक ये भवन त्रेता काल में ही बनाया गया था। देखिए हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल की एक खास रिपोर्ट। ये अयोध्या के लिए कहा जाता है कि अयोध्या में आइए तो सरयू जी का दर्शन अति सुंदर, और तीनों लोक के मालिक बैठे कनक भवन के भीतर। हम कनक भवन में मौजूद हैं। ये अयोध्या के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। कनक भवन के बारे में मान्यता ये है कि माता सीता जब विवाह करके अयोध्या आई थी जनकपुर से, तो कैकेयी ने उन्हें ये भवन मुंह दिखाई में दिया था। हर जगह घंटे, घड़ियाल, आरती, शंखनाद हो रहा है, और मेरे साथ कुछ श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। हम उनसे ही बात करेंगे और समझेंगे। देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में लड्डू गोपाल जी आए हुए हैं। इस तरह का भाव है अपने ठाकुर को रिझाने का, मनाने का, क्योंकि राम नाम अति सुंदर है और उसके साथ हर कोई इस वक्त जुड़ जाना चाहता है। भाई साहब कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल गौर है, मैं नोएडा से आया हूँ, और मेरे मित्र हैं विनोद शास्त्री जी महाराज जी हैं, ये झांसी से हैं। सेवा अपने मतलब लड्डू गोपाल जी को अयोध्या लाने के पीछे क्या मकसद रहा? देखिए होता क्या है कि ईश्वर ने आपको एक एक भाव देता है आदमी कि आपको किस रास्ते पे चलना है। तो भगवान को अगर किसी ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी तो वो तो साथ ही रहेंगे, आप उनको घर पे नहीं छोड़ सकते। तो ईश्वर आपके साथ है। ये मूर्ति नहीं है एक्चुअली में, ये क्या है आपके खुद प्राण के साथ में। आप देखिए चेहरा, देखिए इनका, इसमें आपको ऐसा लगेगा तो साक्षात प्रभु श्री कृष्ण मौजूद है, प्रभु श्री राम मौजूद है, तो आप उनको घर पे कैसे छोड़ सकते हो। हाँ, ये कहा जाता है अगर वो मूर्ति है तो दर्शनीय है, अगर प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो फिर वो पूजनीय है। आप जब हमारे साथ अभी बैठे हुए थे तो मैंने इनको अपने चेहरे की तरफ बिठाया हुआ था और वो मुझे देख रहे थे। तो होता है कि आप प्रभु को अपने साथ रखेंगे, मन में जो भाव रखेंगे वो आपके जीवन में हमेशा उन्नति, प्रतिष्ठा और सब साथ लेके चलेंगे। अब आप देखिए प्रभु के कारण ही तो ये सब है, सब कुछ प्रभु के कारण ही तो है। आज इतने सालों से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, किसी के अंदर तो ऐसे भाव होते हैं कि पत्थर में भगवान है, और किसी में अच्छा ठीक है अब चल दिए। तो उस तरीके के अगर भाव होंगे आपके साथ, अब देखिए ये प्रभु है, आप मंदिर में तो पहले बाद में दर्शन हो रहे थे, पहले तो यहाँ प्रभु के दर्शन करके लोग जा रहे थे और ये आपको देख रहे हैं। तो यही चीज है कि ईश्वर ने मूर्ति के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो इसीलिए होती है कि भगवान के अंदर जो प्राण है वो आ जाए। तो ये देवत्व का भाव तब आता है जब प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, इसलिए हम लगातार बता रहे हैं कि अनुष्ठान का छठा दिन है और किसी तरीके से स्नानादिवास होता है, शय्यादिवास होता है, श्रृंगारादिवास होता है, फलादिवास होता है। 12 तरीके के जो अनुष्ठान होते हैं उसके साथ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होती है, उसकी वो परंपराएं हैं। भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? मैं माँ सीता की नगरी गुरुग्राम हरियाणा से आया हुआ हूँ, और कनक भवन के सामने हमारी सोसाइटी सबका सुख सोसाइटी ने यहाँ पर एक छोटी सी व्यवस्था भी करी है। जैसा कि आप सबको पता है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, और कनक भवन जो है यहाँ पर अयोध्या वासियों के नस नस में बसता है, क्योंकि जब भगवान राम की यहाँ पर प्रतिमा के साथ साथ जब यहाँ पर मंदिर नहीं था तब सब अयोध्या वासी सुबह और शाम कनक भवन में आकर के ही पूजा और अनुष्ठान करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने बताया कि 12 तरीके की प्राण प्रतिष्ठाओं के लिए जितने भी वास होते हैं प्रभु के, चाहे उसमें जलवास हो, घृतवास हो, फलवास हो, आपका शयनवास हो, तो आज शाम तक मेरे हिसाब से प्रभु राम के जितने भी वास हैं वो पूरे हो जाएंगे, और कल सुबह भगवान राम को उनके गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। बोले जय जय श्री राम। झांसी से आए हैं ये लड्डू गोपाल जी, झांसी से गौड़ बाबा सिद्धाश्रम में पंडित विनोद चतुर्वेदी भागवताचार्य। भगवान को ऐसी कई दिनों से प्रेरणा हो रही थी कि मुझे राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में जाना है। हाँ जी, तो स्पेशल भगवान जो है झांसी से आए हैं, 19 तारीख को आ गए हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, और इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। तो दोनों को भगवान के राम और कृष्ण का एक कनक भवन में समय, और हम लोग खड़े हुए हैं और कनक भवन का पर्दा डला था, लेकिन आप लोग भागशाली हो, भगवान ने कृष्ण रूप में आपको दरबार ही दे दिए कि आप भक्त आए हो। तो आपको आपने बताया, देखो एक
देश में बहुत बड़े संत हुए डोंगरे जी महाराज, वो कहते थे कि राम कथा में कृष्ण कथा नहीं आती लेकिन भागवत में राम कथा कई बार आती है, तो इसीलिए जब हम राम जी के पीछे चलते हैं तभी कृष्ण जी के दर्शन होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है, बिल्कुल, क्योंकि श्रीमद् भागवत में राम कथा भी है, श्रीमद् भागवत में रुद्र गीता भी है, भागवत में अनेकों चरित्र हैं, इसलिए आज राम जी की प्रतिष्ठा में जो उत्सव अयोध्या में क्या पूरे विश्व में हो रहा है, एक अलौकिक है, एक ऐसा वाइब्रेशन है, एक ऐसा प्रभाव है भगवान की शक्ति का कि पूरा विश्व राममय हो गया है, और सनातन की जय हो, जय श्री राम, जय। आप रहे, मैं एक बार आपको कनक भवन का दर्शन कराऊं कि ये वो स्थान है, ये पवित्र स्थान है जिसके बारे में बड़ी मान्यताएं हैं, यहाँ अंदर बैठे राग भोग के ठाकुर हैं जिन्हें कनक भवन सरकार कहा जाता है, माँ जानकी के साथ वो विराजे हुए हैं, जिनकी पूजा अर्चना आरती भोग उसकी अपनी एक विशिष्ट परंपरा है जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर उमड़ते हैं। और एक बार फिर आप देख रहे हैं, एक तो अवसर 22 जनवरी का है और उससे पूर्व का जो आनंद है वो आप देख रहे हैं, अपनी जो भक्ति है, अपनी जो मस्ती है उसमें जो शामिल हो रहे हैं लोग, उन्हें आप देख रहे हैं, और यही एक आनंद है जो अयोध्या में वो भाव आपको लेकर आता है, अपने प्रभु से एकाकार होने का ये भाव है। ये सखी परंपरा जो आप वृंदावन में देखते हैं वो अयोध्या में राम जी की सखी परंपरा है जिन्हें आप यहाँ पर निभा रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर ये जो किन्नर समाज यहाँ पर जो भगवान राम के उत्सव में शामिल हुए हैं और ये जो लोग सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, वर्षों कवर करेंगे, तो ऐसा इन लोगों को वरदान है कि जब भगवान शिव राम वनवास के लिए गए थे, 14 वर्ष के वनवास के लिए जब भगवान श्री राम, तो उन्होंने गंगा नदी पर जाकर के सब अपने जितने भी प्रजा थे उनको बोला सब नर और नारी यहाँ से अपने अपने घर को प्रस्थान करें। तो जब 14 वर्ष के बाद भगवान वापिस आए तो किन्नर समाज उसी तट पे बैठा हुआ था, तो भगवान ने आकर के उनसे पूछा कि तुम लोग घर क्यों नहीं गए। कह रहा प्रभु आप लोगों ने सब नर और नारियों को बोला था कि आप अपने घर की तरफ प्रस्थान करें, लेकिन हम ना नर हैं ना हम नारी हैं। तो उस दिन के बाद से किन्नर समाज को भगवान राम ने ये वरदान दिया था कि आप लोग जिस जिस को भी आशीर्वाद दोगे उनकी सारी जी वो कथाएं हैं, तो वो भाव हम आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त अयोध्या में है। और साथ ही ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, कोशिश करेंगे एक बार कनक भवन के में अगर हम दर्शन भी भक्तों को लोगों को अपने अपनी ऑडियंस को करा पाए वो प्रयास करेंगे। महाराज जी कहाँ से आए हैं? मैं अयोध्या से हूँ। आप अयोध्या से ही हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। 22 जनवरी बड़ा विशेष दिन हो गया है, कनक भवन की अपनी एक महिमा है, अपना एक आनंद है और उससे जुड़ा हुआ श्रद्धा भाव है, किस तरह की विशेष तैयारियां समझे अयोध्या में? अरे बहुत सुंदर, और जिस स्थान पे हम खड़े हुए हैं कनक भवन, तो पूरा विश्व एक कनक भवन तैयार हो रहा बन रहा है, और ठाकुर जी हमारे कनक भवन में ही आते हैं, और माता जानकी जब आई हैं तब कनक भवन में ही प्रथम चरण स्थापना की है, तो हम तो चाहेंगे कि संपूर्ण विश्व एक कनक भवन बन जाए और ठाकुर जी संपूर्ण विश्व को आनंदित करते रहे, आह्लादित करते रहे। तो देखिए इस भाव के साथ आप समझिए कि कनक भवन की अपनी महिमा, वो आनंद, वो उत्सव जो है वो इस वक्त अयोध्या में चल रहा है और जिसको देखने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। सरयू जी का तट हो, राम की पैड़ी हो, हनुमान गढ़ी हो या फिर कनक भवन हो, हर तरफ श्रद्धालु है, हर तरफ आस्था है, हर तरफ आनंद है उस भाव के साथ कि राम आ रहे हैं, राम लौट रहे हैं, उत्साह लौट रहा है, आनंद लौट रहा है, पुरुषार्थ लौट रहा है और अयोध्या में अयोध्या का प्राण लौट रहा है, उस तरह का भाव पूरी अयोध्या में इस वक्त बना हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, जय गणेश। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।